आज हम आपके समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपके लिए अति रहस्यमय, रोमांचक एवं ज्ञानवर्धक तथ्य सिद्ध होगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं 64 योगिनियों के विषय में, जो महायुद्ध में महिषासुर की सेना के विरुद्ध आद्या शक्ति महामाया देवी दुर्गा की सहायता हेतु अवतरित हुए थे। 64 योगिनियों का विषय सदियों से रहस्य में डूबा रहा है, क्योंकि कलिकाल में इनके विषय में अति सीमित जानकारी उपलब्ध है। परंतु आज वेद विक के इस अभिनव प्रस्तुति में हम इन अज्ञात प्रश्नों के उत्तर को आपके समक्ष उजागर करने जा रहे हैं, जो शास्त्रों के कठोर अध्ययन और हमारे पूज्य गुरुदेव बाबा महेश्वर जी के वचनों से हमें प्राप्त हुई है। इस श्रृंखला में हम 64 योगिनियों को 8 भागों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक भाग में हम 8 योगिनियों के विषय में बताएंगे, जिन्होंने एक विशिष्ट मातृका के नेतृत्व में महायुद्ध में भाग लिया था। और आज के इस भाग में हम देवी ब्राह्मिणी के नेतृत्व में आने वाले 64 योगिनियों में से 8 योगिनियों के विषय में बताएंगे। परंतु शुरू करने से पूर्व हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नवीनतम प्रस्तुतियों के विषय में सूचित रहने के लिए बेल आइकॉन को अवश्य ही क्लिक करें। तो चलिए हम आज के इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। चौसठ योगिनी में सर्वप्रथम स्वरूप है मां ज्ञानेश्वरी, अष्टमात्रिका देवी ब्राह्मणी के नेतृत्व में महायुद्ध में माता ज्ञानेश्वरी ने दुर्बोध, अंधक एवं जड़ता से युद्ध किया था। वे श्वेतवर्ण स्वरूपा हैं एवं श्वेतवस्त्र पहनती हैं। इनका सौम्य स्वभाव एवं कल्याणमयी गुणों के कारण इन्हें सौम्य कोटि में वर्णित किया जाता है। मां ज्ञानेश्वरी का साधना मंत्र है ओम त्रयम् ह्रीम ह्रीम क्रीम क्रीम वेदोस्थिता ज्ञानेश्वरी नमो नमः। यदि आपके मन में अज्ञानता का वास हो, या दुर्बुद्धि ने आपके मन को अपवित्र कर दिया हो, या फिर अशांत एवं चंचल मन के कारण आपको विद्यार्जन में कठिनाई होती हो, तो ज्ञानेश्वरी मंत्र जाप एवं व्रत विधि आपके लिए अति लाभदायक सिद्ध हो सकता है। 64 योगिनी में द्वितीय स्वरूप है मां दिव्य योगिनी। देवी ब्राह्मणी के नेतृत्व में मां दिव्य योगिनी ने महायुद्ध में भाग लिया था। मां दिव्य योगिनी ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी हैं। तंत्र मत अनुसार मां दिव्य योगिनी से मंत्रों को बल प्राप्त होती है। वास्तव में मां दिव्य योगिनी दिव्यता की परिभाषा है। वे चतुर्भुजा स्वरूप हैं एवं वे श्वेत कमल पर विराजती हैं। वे अपने चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती हैं। मां दिव्या योगिनी का साधना मंत्र है ओम त्रयम् ह्रीम ह्रीम क्रीम क्रीम ज्ञानस्थितः दिव्येश्वरी नमो नमः। यदि आपको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, या आप अपनी बुद्धि और विद्या को बढ़ाना चाहते हैं, या अपने तंत्र मंत्र में साधना में अधिक बल युक्त करना चाहते हैं, तो मां दिव्य योगिनी की आराधना आपके लिए अति लाभदायक सिद्ध होगी। 64 योगिनी में तृतीय स्वरूप है मां महायोगिनी। देवी ब्राह्मणी के नेतृत्व में मां महायोगिनी ने महायुद्ध में भाग लिया था। मां महायोगिनी शक्ति और साहस की देवी हैं। वे उज्ज्वल वर्णा हैं एवं पीत वस्त्र पहनती हैं। वे द्विभुजा स्वरूप हैं और वे बाज पर विराजती हैं। उनके एक हाथ में खड्ग एवं दूसरा हाथ व्रत मुद्रा में रहता है। मां महायोगिनी का साधना मंत्र है ओम त्रयम् ह्रीम ह्रीम क्रीम क्रीम प्राणोस्थितः वीरेश्वरी नमो नमः। यदि आपको जीवन में शक्ति और साहस की आवश्यकता है, या आप किसी कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो मां महायोगिनी की आराधना आपके लिए अति लाभकारी होगी। 64 योगिनी में चौथी स्वरूप है मां सिद्ध योगिनी।
देवी ब्राह्मणी के नेतृत्व में मां सिद्ध योगिनी ने महायुद्ध में भाग लिया था। मां सिद्ध योगिनी सिद्धि और मोक्ष की देवी हैं। वे श्वेत वर्णा हैं एवं हरित वस्त्र पहनती हैं। वे कमल पर विराजती हैं और अपने चार हाथों में कमल अक्षमाला कमंडल एवं वरद मुद्रा धारण करती हैं। वे अति सौम्य स्वभाव की हैं और अपने भक्तों से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें सौम्य कोटि में वर्णित किया जाता है। मां सिद्धयोगिनी का साधना मंत्र है, ओम त्रयम् ह्रीम ह्रीम क्रीम क्रीम कर्मोस्थितः सिद्धेश्वरी नमो नमः। मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषी योगिनी तंत्र के साधकों के लिए मां सिद्ध योगिनी की आराधना अति महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त यदि आप जीवन में सफलता एवं सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्ध योगिनी की आराधना आपके लिए अति लाभकारी हो सकती है। 64 योगिनी में पांचवी स्वरूप है मां मंत्र योगिनी। देवी ब्राह्मणी के नेतृत्व में मां मंत्र योगिनी ने महायुद्ध में भाग लिया था। मां मंत्र योगिनी मंत्रों और तंत्रों की देवी हैं। वे रक्त वर्णा हैं एवं वे नीले वस्त्र पहनती हैं। तंत्र मत अनुसार इनकी मंत्र शक्ति से शनि देव कर्म चक्र को संचालित करते हैं और इनके आवाहन के पश्चात ही श्लोक मंत्रों में परिवर्तित होती है। वे अश्व पर विराजती हैं और एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में व्रत मुद्रा धारण करती हैं। इनके उग्र प्रकृति के लिए इन्हें उग्र कोटि में वर्णित किया जाता है। मां मंत्र योगिनी का साधना मंत्र है, ओम त्रयम् ह्रीम ह्रीम क्रीम क्रीम मंत्रोस्थिता मंत्रेश्वरी नमो नमः। यदि आप मंत्र तंत्र में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं तो मंत्र योगिनी की आराधना आपके लिए लाभकारी होगी। 64 योगिनी में छठवीं स्वरूप है मां मालिनी। देवी ब्राह्मणी के नेतृत्व में मां मालिनी ने महायुद्ध में भाग लिया था। मां मालिनी पेड़ पौधे फल फूल और वन की देवी हैं। इन्हें वन दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में जिन्हें मुख्यतः आदिवासियों द्वारा पूजा जाता था। वे उज्जवल वर्णा हैं एवं रक्त वर्ण वस्त्र पहनती हैं। वे वन देवी हैं एवं बाघ पर विचरण करती हैं। वे एक हाथ में कमल और दूजे हाथ में व्रत मुद्रा धारण करती हैं। मां मालिनी का साधना मंत्र है, ओम त्रयम् ह्रीम ह्रीम क्रीम क्रीम मनोस्थितः कामेश्वरी नमो नमः। यदि आप जीवन में आरोग्यता बल एवं शत्रुओं से रक्षा चाहते हैं या आप अपने जीवन में प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो मां मालिनी की आराधना आपके लिए लाभकारी होगी। 64 योगिनी में सातवीं स्वरूप है मां कौशिकी। देवी ब्राह्मणी के नेतृत्व में मां कौशिकी ने महायुद्ध में भाग लिया था। मां कौशिकी स्वयं प्रकृति हैं। कुछ मतों के अनुसार महर्षि कौशिक के तप से संतुष्ट होकर महामाया दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। हालांकि सत्य यह है कि कौशिकी शब्द का स्रोत आता है कुश शब्द से, जिसे प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। वे उज्ज्वल वर्णा हैं एवं पीत वस्त्र पहनती हैं। वे सौम्य भी है और अति उग्र भी, इसीलिए इन्हें सौम्य उग्र कोटि में वर्णित किया गया है। वे आद्या शक्ति स्वरूपा हैं, इसीलिए वे शेर पर विराजती हैं। वे अपने चार हाथों में कमल त्रिशूल चक्र और व्रत मुद्रा धारण करती हैं। मां कौशिकी का साधना मंत्र है, ओम त्रयम् ह्रीम ह्रीम क्रीम क्रीम प्रकृति स्थिता कौशिकाय नमो नमः। यदि आप जीवन में शांति समृद्धि शत्रुनाश और आरोग्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो मां कौशिकी की आराधना आपके लिए अति लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब हम आ चुके हैं इस भाग के अंतिम स्वरूप पे, परंतु इससे पहले कि हम इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें। इससे हमारी यह विरल एवं ज्ञानपूर्ण प्रस्तुति अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी।
तो चलिए अब हम इस भाग के अंतिम स्वरूप को जानते हैं। 64 योगिनी में आठवीं स्वरूप है मां करालिनी। देवी ब्राह्मणी के नेतृत्व में मां करालिनी ने महायुद्ध में भाग लिया था। मां करालिनी शक्ति और रक्षा की देवी हैं। मां करालिनी का वर्ण काला है एवं वो काले वस्त्र पहनती हैं। वे श्वान पर विराजती हैं एवं अति उग्र प्रवृत्ति की है, इसीलिए इन्हें छंड कोटि में वर्णित किया गया है। वे अपने चार हाथों में त्रिशूल, खड्ग, ढाल एवं वरद मुद्रा धारण करती हैं। मां करालिनी का साधना मंत्र है ओम त्रयम् ह्रीम ह्रीम क्रीम क्रीम हृदिस्थिता करालिनी नमो नमः। यदि आपको जीवन में एकाग्रता एवं मनोशक्ति प्राप्ति की अभिलाषा हो, या अपने शत्रुओं से रक्षा की आवश्यकता हो, या फिर आप किसी नकारात्मक शक्ति से परेशान हो, तो मां करालिनी की आराधना आपके लिए अति लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हम जानते हैं कि इन स्वरूपों के विषय में हमने आपको अति संक्षिप्त विवरण प्रदान किया है। चूंकि 64 योगिनी की आराधना सहित योगिनी तंत्र को एक योग्य एवं सिद्ध गुरु के सान्निध्य में गुप्त रूप से प्रशिक्षण एवं परीक्षण किया जाता है, अतः हमने उतना आपको बताया है जितना हमें अपने परम पूज्य गुरुदेव से आपको बताने की अनुमति प्राप्त हुई है। आज हमने जाना देवी ब्राह्मिणी के नेतृत्व में आने वाली 8 योगिनियों के विषय में। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आने वाले भाग में हम जानेंगे देवी वैष्णवी के नेतृत्व में आने वाली 8 योगिनियों के विषय में। तो आज के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। हम पुनः मिलेंगे एक नवीनतम प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए ओम तत्सत।